नमस्ते, ऑलराउंडर रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ ओरियो चॉकलेट मूस की रेसिपी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑलराउंडर रेनू को और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओरियो बिस्कुट से बनाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को पिघला लेंगे। ये डार्क चॉकलेट है, इसे डार्क कंपाउंड भी कहते हैं। इसे आप गर्म दूध में मिक्स कर सकते हैं पिघलाने के लिए, या तो गर्म पानी इसमें डाल के पिघला सकते हैं। और दूसरा तरीका है डबल बॉयलर मेथड के तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गर्म पानी ली हूँ। मैंने ये डार्क चॉकलेट को बाहर ही रखा था, नरम है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको हम इस तरह करके मेल्ट करेंगे। बस 2 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये नरम है। ये 50 ग्राम है चॉकलेट, आप इसके जगह डायरी मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 8 पीस ओरियो बिस्किट का लिया है, देखिए इस तरह का पैकेट है। ये मैंने 8 पीस लिया है। मैं ये छोटे ग्लासेस में बनाऊंगी, उसी अनुसार मैंने लिया है। अब इसका हमें क्रीम निकाल देनी है, इस तरह करके सभी को निकाल देनी है और इसे मिक्सी जार में डाल के हमें पाउडर कर लेनी है। देखिए मैंने सभी को निकाल लिया, अब मिक्सी जार में पाउडर कर लेंगे। देखिए मैंने पाउडर कर लिया है, अब इसे हम निकाल देंगे। अब इसमें हमें या तो आप बटर पिघला कर मिला सकते हैं, नहीं तो ये चॉकलेट हम इसमें मैं इसमें चॉकलेट मिला के बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच ले लिया है, अब इसे हम इस तरह करके मिक्स कर देंगे, या आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसको साइड में रख देते हैं, इसको मिक्स कर लिया है। अब ये हम क्रीम लेंगे और हमें इसे मिक्स करना है चॉकलेट के साथ। हमने क्रीम में चॉकलेट को मिक्स कर लिया है। अब हम अगर गिलास को सजाना है तो सजा भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ दूध का पैकेट ले रही हूँ गिलास में डालने के लिए, तो आप तो इसके जगह पाइपिंग बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सबके घर में मिल जाएगा, कोई सा भी दूध का पैकेट ले ले। हमने जो ये क्रीम और चॉकलेट का बैटर बनाया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिया है। अब हम सफ़ेद क्रीम इसमें भरेंगे। क्रीम जो हमने लिया है बर्थडे केक के ऊपर जो सजाया जाता है, वही वाला क्रीम है। अगर आपको क्रीम की रेसिपी जाननी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लें। मिक्सी जार में एक दिया हुआ है और एक हैंड वीसर से दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें, इस तरह भर लें। अब हम ग्लास में सबसे पहले ये जो बिस्कुट का मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको डालेंगे और इस तरह चम्मच से इसे प्रेस कर देना है, ताकि लेयर अच्छी से आए। मैंने 8 बिस्किट से बनाया है, आप चाहें तो 10 बिस्किट से भी बना सकते हैं इसे। जितनी मोटी लेयर चाहिए उसी अनुसार आप बिस्किट डालिए। अब इसमें हम सफ़ेद क्रीम का लेयर देंगे, तो हम यहाँ से थोड़ी काट लेंगे। आप चाहें तो क्रीम बिस्किट में जो हमने क्रीम निकाला है, आप ये सफ़ेद वाली क्रीम में मिक्स कर सकते हैं। इस तरह करके हमें लेयर बनानी है। अब इसमें हम फिर बिस्किट डाल देंगे।
फिर हम इसे प्रेस करेंगे। अब हम जो हमने चॉकलेट के साथ क्रीम मिक्स किया था, अब उसका हम लेयर देंगे। इस तरह नोजल लगा लेंगे, स्टार नोजल। अब इसमें हम क्रीम डाल लेंगे। मैंने जो क्रीम निकाला था ओरियो बिस्किट का, उसे हम क्रीम में इस तरह मिक्स कर देंगे। ये पेस्ट बन जाएगा, देखिए इस तरह का बन जाएगा। अब इसे हम पाइपिंग बैग में ले लेंगे। अब इसके ऊपर करेंगे इस तरह से। इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। अब इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, या चॉकलेट घिस के भी डाल सकते हैं, या चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ, ऊपर से चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको ओरियो चॉकलेट मूस की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।